उसके मजे कौन लेगा, समोसे को लेके आया था ना भाई मैं वहां से, अपन सोचा था मजे लेंगे। बोल रहा है होता तो अभी नहीं मिलता उस चूतिए से। शकल तो देखने लायक भी नहीं है भाई उसकी वैसे। क्यों ये मीम को सेव करके क्यों रखा था तूने? रिवाइज करता है इनको बाद में। उन्होंने एक्सेस मेजर नहीं किया लेकिन जो फर्स्ट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर ब्लॉग। और आज फिर हम एक बार और गाड़ावाला जाने वाले हैं। गाड़ावाला जाने का रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे न्यू स्पेक्स बनवाने थे, सो टू बी ऑन अ सेफर साइड आई थॉट क्यों ना आई चेकअप भी करा लिया जाए। सो हम इस ब्लॉग में चेक करने वाले हैं कि सेम प्रॉब्लम के लिए दो अलग अलग डॉक्टर सेम ट्रीटमेंट करते हैं या डिफरेंट, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैंने दो डॉक्टर की फी पे कर दी थी। सो आई थॉट क्यों ना डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट का एक कंपैरिजन वीडियो बना लिया जाए। सो दोनों डॉक्टर ने सेम नंबर का ई क्लासेस दिया या डिफरेंट नंबर का, ये जानने के लिए डू वॉच द कंप्लीट ब्लॉग। तो गाइस अभी अर्पित कौर आपके घर तो पहुंच गए, सो उसे पिक करते हैं। कैसे हो बेटे, क्या चल रहा है? इनडायरेक्टली तुम ये कहो ना कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम नहीं आ सकते। अच्छा अबे जल्दी मैं आ रहा हूँ अबे, वही गाड़ा वाला। अबे ये कौन सी बात है यार, कौन नहीं आया मिलने के? क्या किया जाए बता यार, अब इसके मजे कौन लेगा, समोसे को लेके आया था ना भाई मैं वहां से, अपन सोचा था मजे लेंगे। बेइज्जती कर रहा है तेरी, पता है तो मैं बोल रहा है होता तो अभी नहीं मिलता उस चूतिए से। तो शकल तो देखने लायक भी नहीं है भाई उसकी वैसे। सो गाइस अर्पित कौर को पिक कर लिया है, अभी सब चलते हैं डॉक्टर के पास। सो गाइज एज यू कैन सी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वन, लेफ्ट आई का मेरा -2.25 है नंबर, एंड राइट आई का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो गाइज दूसरे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट ले लिया है, अभी मैडम है नहीं है तो थोड़ी देर से मिलेंगी, जब तक अपन लंच कराते हैं। सो देन उसके बाद ट्रीटमेंट कराते हैं। दुकान भाई बहुत ज्यादा आ रहे हैं मेरे को वहां से। क्यों ये मीम को सेव करके क्यों रखा था तूने? कौन से अच्छी रहती थी, कर देता हूँ रिवाइज करता है कि इनको बाद में। क्या लफड़ा क्या है इनको सेव करने के पीछे? कौन सा जो बन के आ गया उसी को रखा है, कोई बस वो ही है सिलेंड्रिकल एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था दो डॉक्टर से आई चेकअप करा के। ऑल दो मैंने सेकंड डॉक्टर को ये बताया कि मैंने अभी जस्ट दूसरे डॉक्टर से भी चेक कराया है और आपका और उनका जो नंबर है दोनों में डिफरेंस है। ऑल दो 0.5 का डिफरेंस था लेकिन डिफरेंस तो है ना। सो उन्होंने कहा बहुत ही माइनर डिफरेंस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा था ये डिफरेंस आया क्यों इतना,
भले ही 0.5 भी बहुत होता है आई ग्लासेस में। उसके अलावा जो सेकंड डॉक्टर था उन्होंने जो एक्सेस रहती है आई ग्लासेस की, अब मेरे को डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन उन्होंने एक्सेस मेज़र नहीं किया। लेकिन जो फर्स्ट वाला जो डॉक्टर था ना, उन्होंने एक्सेस भी मेज़र किए मेरी लेफ्ट राइट वाली जो आई है उसकी। लेफ्ट में तो दोनों का सेम ही आया है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ राइट में थी। सो फर्स्ट वाले डॉक्टर ने मेरी एक्सेस भी चेक की थी, लेकिन सेकंड वाले ने चेक नहीं की। फर्स्ट वाला जो डॉक्टर था वो इन माय ओपिनियन ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, दैट्स व्हाई उन्हें इतना ज़्यादा नॉलेज था, उन्होंने डीपली चेकअप किया आई का। और एंड इसीलिए जो मैंने अपना ये जो आई ग्लास बनवाया था वो फर्स्ट वाले डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही बनवाया था। सो दैट्स इट। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताइए आप। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।